भारत की आबादी 120 करोड़ से भी ज्यादा है। देश में 90% लघु व्यवसायियों का औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ जुड़ाव नहीं है और आज भी 67% भुगतान नकद ही किए जाते हैं। नकदी अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए तकनीकी अर्थतंत्र मौजूद है। उपलब्ध तकनीक और एप्लीकेशंस के प्रयोग से भारत के ज्यादातर लोग, फिर चाहे वो शहर में हो या गांव में, सब डिजिटल आर्थिक समावेश का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी बैंक खाताधारी व्यक्ति 5 मुख्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सकता है। ये हैं कार्ड्स, AEPS, ई वॉलेट, USSD, UPI। डेबिट और क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग वर्तमान में मेट्रो शहरों के बाहर भी अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अलवर जिले में रहने वाले हजारीलाल सैनी अपने बिल, बेटे के स्कूल की फीस और अन्य भुगतान नेट बैंकिंग की मदद से करते हैं। मेरे को थोड़ा सा ये महसूस हुआ, झटका लगा कि कहीं मेरा पैसा दूसरे अकाउंट में नहीं चले जाए, इसलिए थोड़ी दहशत रहती थी, लेकिन अब वो दहशत खुल गई है। डिजिटल वित्तीय सेवाएं अब उन तक भी पहुंचाई जा रही हैं जो डिजिटल का कम ज्ञान रखते हैं। रामेश्वर दयाल एक पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक हैं। अपने पैसे के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र तक ही जाना होता है। ये खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना का इस्तेमाल करता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा भी नहीं रहता, जो ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी है। रामेश्वर के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहली लाइन में खड़ो होना पड़े, जो धक्का मुक्का खानी पड़ेगी और बैंक वाला की डांट डपट सुननी पड़ेगी, और अब यहाँ कोई तो किसी ने डांट डपट है और हमको बिल्कुल पैसे सही सलामत मिल जाते हैं, अपन टब्बे लेकर आ जाते हैं, हमारी टाइम की बचत हो जाती है। डिजिटल माध्यम से आर्थिक लेन देन का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है और युवा इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं। मेरे बेटे ने CSC से ट्रेनिंग ली, इसके बारे में मुझे बताया तो ये बड़ा इजीली हो गया कैशलेस, कैसे इसमें पेटीएम से ई वॉलेट से कार्यक्रम करते हैं। एक ई वॉलेट व्यक्ति के बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। मोबाइल नंबर बताना। व्यक्ति अपने खाते से ई वॉलेट में पैसे डाल सकता है। स्मार्टफोन की मदद से इस ई वॉलेट में पड़े पैसे से भुगतान किया जा सकता है। USSD एक ऐसा मोड है जो व्यक्ति नॉर्मल फोन, सामान्य फोन जो गाँव में यूज लेते हैं, उनके ऊपर भी हम अपने बैंक खाते की इंक्वायरी पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना चाहें, वो भी है कि सिंपल प्लेटफॉर्म पे हम यूज ले सकते हैं। देख भाई, हम *229 दबा के हैश दबाऊंगा और फोन पर कॉल कर जाऊंगा, कॉल करता ही या मैसेज जाएगा आगे बैंक, और फिर आप कौन सा बैंक में खाते हो, थारू बैंक खाता का 3 नंबर लिखांगा, 3 अक्षर लिख रहा पा भेज दिया, थारा खाता में 500 रुपया पेंशन का आगा। अब देखो इसको कितनी बढ़िया फायदा हो, बहुत बढ़िया रही। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भी विकसित किया है। स्मार्टफोन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने का तेज जरिया है ये। ये नेट बैंकिंग से ज्यादा सुविधाजनक है और एकदम निशुल्क भी है। सतीश कॉमन सर्विस सेंटर में काम करते हैं और अपने ग्राहकों को, जिनमें अधिकतर ग्रामीण हैं, UPI चलाना सिखाते हैं। मेरे पास अभी एक बंदा है था, मेरे गांव के पड़ोस का ही, उसका भाई जयपुर में पढ़ता है और उसको फीस जमा करानी थी, लेकिन वो भाई किसी तरीके से अपनी फीस उसके पास भेज नहीं पा रहा था और मेरे पास ICICI का UPI था, तो मैंने उसके पास क्रेडिट कार्ड लेके उस UPI से उसके भाई के वर्चुअल एड्रेस पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसकी फ़ीस भी जमा हो गई और उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने अपना ई वॉलेट रिचार्ज कर लिया। इस तरीके से उसके समय और पैसे दोनों की बचत हो गई और उसकी सारी परेशानियों का जो मसला था वो यही सब। ये 5 डिजिटल वित्तीय सेवाएं समय बचाने के साथ साथ सुविधा से भरपूर हैं, पारदर्शी हैं और काला धन और भ्रष्टाचार रोकने में मददगार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से कैशलेस बनाने के लिए सोच बदलनी बहुत जरूरी है। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम कैश नहीं डिजिटल भुगतान करेंगे। वास्तव में आने वाला जमाना कैशलेस ही होने वाला है।